हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। डिज़ाइन ओपन वर्क में है, ये लेडीज़ प्रोजेक्ट की डिज़ाइन है। बच्चों के स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को डालेंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन, पुलोवर, शर्ट, जैकेट सभी में डाल सकते हैं। बच्चों के किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। टीनेजर्स के टॉप में बना सकते हैं। थ्रेड से भी इसकी बुनाई करेंगे तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। लड़कियों के लिए टॉप बहुत अच्छा थ्रेड से बन के तैयार होगा, क्योंकि ये जाली वाली डिज़ाइन है तो बहुत आसान सी डिज़ाइन है। ये देखिए, ये इसका बैक साइड है, ये इस तरह से इसकी बैक पोर्शन की डिज़ाइन है, और ये इसका सामने की डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन देखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर लग रही है, लेकिन बहुत आसान सी डिज़ाइन है, आसानी से बनने वाली। और ये 8 सलाइयों में डिज़ाइन बन जाती है, उसी को बार बार रिपीट करना है। 8 सलाइयों में और 21 फंदों में बनने वाली डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन 21 फंदे की है और मैंने इसमें दो दो डिज़ाइन में 21 21 फंदे के बनाए हैं। तो चलिए डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। 21 फंदे डिज़ाइन के हैं, 2 फंदे एज स्टिच के फंदे हैं। जितनी डिज़ाइन मैंने बनाया, मैं बनाऊंगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये डिज़ाइन एक 21 फंदे की ये है। तो इस तरह से 2 डिज़ाइन 21 21 फंदे की बनी हुई है। तो चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे डाल के, मैंने एक सिलाई उल्टी बना रखी है, फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक दो, दो फंदा उल्टा बुना। अब 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे सीधे। अब फंदा आगे करके जाली बनाते हुए 4 जालियाँ हमें बनानी है। फंदा आगे करके एक जाली सीधा बुना, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए दूसरा सीधा बुना, फंदा आगे करके जाली बनाते हुए तीसरा सीधा बुना। अब 4 जाली बनानी, फंदा आगे करके। अब हम चौथी जाली में 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। तो 7 4 जाली हमने बनाई, 4 फंदे हमारे पड़ जाएंगे, फिर 2 फंदा उल्टा और 1 स्टिच का फंदा। तो बीच में ये हमारे 17 फंदे थे, 17 फंदे हमारे, 4 फंदे 21 फंदे बन गए। फंदा स्लिप किया, उल्टी सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनना है। तो 2 फंदा सीधा बीच के 21 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इस सिलाई में, उल्टी सिलाई में उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाना है। तो ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई। लास्ट में 21 फंदे के बाद 2 फंदे हमारे सीधे बनाए जाएंगे, 1 और 2, दो फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा एज स्टिच का। तो ये हमारी दो सेकेंड रो कंप्लीट हो गई, दो रो हमारी तैयार हो गई। अब देखिए, थर्ड रो में हमें फंदों को घटाना है, और इस सिलाई में हमारे फंदे घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, तो एक साथ हमारे 8 फंदे इस सिलाई में घटेंगे। तो फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदा उल्टा और फंदा पीछे करके, अब देखिए हमें 4 फंदे हम सिलाई पे इस तरह से उतार लेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे स्लिप करके उतार लिया। 5वां फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे, उसके बाद एक एक फंदे हम सिलाई पर से उतारते जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे हमने, 4 फंदे का एक फंदा कर लिया। हम इसे 4 का 1 सीधा बना बना के भी कर सकते थे, लेकिन ये हमारा इजी तरीका है 4 फंदे का 1 फंदा करने का। फिर उसके बाद 1 फंदा सीधा, फिर दूसरा फंदा सीधा, फिर तीसरा फंदा सीधा, ये 3 फंदे हमने सीधे बुने। अब हमें 3 फंदे
हमें हमारे फंदे बढ़ने हैं, एक फंदा बढ़ाया, फंदा आगे करके तीन, फिर एक जाली फिर बना के फंदा बढ़ाया, फिर तीन फंदा सीधा, तो दो फंदे हमने बढ़ाए, तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा आगे करके सीधा बनाया, फिर एक फंदा आगे करके सीधा बनाया, दो फंदे हमने फिर से बढ़ा लिए। अब दो फंदे, तीन फंदे हम हमारे तीन दो फंदे और सीधे बुने तो तीन फंदे सीधे हो गए। अब चार फंदे को हम एक फंदा फिर से करेंगे। अब हमारे लेफ्ट साइड में फंदे एक होंगे तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद एक एक करके सारे फंदे हमारे उतारे जाएंगे पीछे के, दो तीन और एक चार, ये चार फंदे हम एक साथ चार का एक कर लेंगे। फिर इस फंदे को हम सिलाई पे उतार के इसे टाइट कर लेंगे। हमें चार फंदे का एक फंदा करना था तो इस तरह से हमारे आठ फंदे कट गए। फर्स्ट रो में चार फंदे बढ़े थे और थर्ड रो में चार बढ़े थे और आठ फंदे हमारे एक साथ थर्ड रो में कट गए। हमारा टोटल फंदा बीच का 17 रह गया। फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, फिर उल्टे उल्टे बुनने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और एक 17। तो ये 17 फंदे हमारे जो थे वो 17 मेंटेन हो गए। फिर एक दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तो इस तरह से ये हमारी सिलाई चौथी कंप्लीट हो गई जो उल्टी साइड की है। और चार सिलाइयों की डिज़ाइन हमारी बन चुकी है, चार सिलाइयाँ भी और बनानी है तो हमारी जगह थोड़ी सी डिज़ाइन चेंज होगी। तो अब देखिए चार सिलाइयाँ हमें कैसे बनानी है। फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे, अब हमें सीधे बनाने हैं फंदे। तो अब ये देखिए हमें पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच फंदे, एक दो तीन चार और पांच फंदे, पांच फंदे सीधे बनने के बाद हमें एक जाली बनानी है। तो फंदा आगे करके सीधा बुनेंगे, जाली बनाते हुए फंदा आगे करके सीधा बुनेंगे जाली बनाते हुए, फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदे सीधे, फिर जाली बनाएंगे फंदा आगे करके, फिर सीधा बुनेंगे फंदा आगे करेंगे सीधा बुनेंगे, फिर पांच फंदे सीधे बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी चार फंदे जाली से बढ़ गए फिर से, और पांच फंदे ये हमारे हो गए छठा। और फिर उसके बाद दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स रो हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए ख़त्म कर लेनी है। फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे और ये बीच के 21 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये फंदे हमारे एक सिलाई में चार फंदे एक साथ बढ़ते हैं तो फंदे बढ़ के 17 के बजाय 21 हो जाते हैं। तो ये सारे फंदे हम उल्टा बना लेंगे। उल्टा बनाने के बाद फिर दो फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे, दो फंदे सीधे, एक एज स्टिच का फंदा उल्टा। तो ये हमारी छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। रो सेवेंथ में हमें फिर से आठ फंदे घटने हैं। फंदा स्लिप करेंगे, दोनों साइड में चार चार फंदे घटाने हैं जैसे पहले घटाया था। फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदा उल्टा। अब ये देखिए फिर से हम चार फंदों को स्लिप करते हुए चारों फंदों को घटा देंगे, एक दो तीन चार, चार फंदे सिलाई पे उतारेंगे स्लिप करके। इसके बाद पांचवा फंदा बुन लेंगे, फिर चारों फंदों को एक साथ उतार देंगे, एक दो तीन और एक चार, चार फंदे हमने सारे उतार दिए। उसके बाद फिर एक फंदा सीधा बुना, अब यहाँ पे हमारी जाली फिर से बनेगी। तो फिर हमने एक सीधा बुना, फिर जाली बनेगी, फिर इसके बाद बीच के एक दो तीन चार पाँच छः
अब फिर सात फंदे हमारे बीच के बचेंगे। फिर ये जाली बनाते हुए छह फंदे बनने के बाद देखिए हमने यहाँ पे कैसे बनाया, जाली बनाई फिर जाली बनाई, फिर ये सेवन फंदे बीच के सीधे हो गए, फिर जाली बनाई फिर एक सीधा, फिर जाली बनाते हुए एक सीधा बुनेंगे। अब इसके बाद फिर से हमें ये फंदों को एक करना, एक दो तीन चार, ये चार फंदे हैं, चार फंदे घटाने हैं, तो इस फंदे को पहले सीधे फंदे को बुन लेंगे, फिर एक एक करके ये चार फंदों को हम सिलाई से उतारते हुए घटा देंगे। चार फंदे का एक फंदा कर लेंगे। अब इसे उतारे हुए जिस फंदे पे उतारे हैं उस फंदे को टाइट करना है और सिलाई पे ला के इसको टाइट कर लेंगे। तो फिर दो फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, तो इस तरह से ये हमारी सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई। आठवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी पे उल्टे पे उल्टी और सीधे पे सीधी है। यही हमारी आठ सिलाइयों की डिज़ाइन है। चार जाली डिज़ाइन में बनी है और ये चारों जालियाँ आठ सिलाई में चारों जाली बनती है। यही डिज़ाइन को हमें बार बार, इसी को फर्स्ट टू एट्थ रो हमें बार बार रिपीट करना है और हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। उल्टी साइड में हमें उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा हर बार बनाना है। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हुई जो बहुत आसान है। अब यहाँ से फर्स्ट रो से हमें आठवीं सिलाई तक फिर से हमें अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको डिज़ाइन पहली सिलाई कैसे बनाते हैं स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में फंदा स्लिप करेंगे, एक दो, जो फंदा उल्टा, सात फंदा सीधा, फिर चार जाली बनाएंगे, सात फंदे सीधे, सात फंदे सीधे बुनने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, सात फंदा आगे करके एक सीधा फंदा आगे करके एक सीधा फंदा आगे करके एक सीधा फंदा आगे करके सात सीधा। तो ये हमारी पहली सिलाई में जो हमने बनाया था वही पहली सिलाई हमें अप्लाई करनी है फर्स्ट रो से एट्थ रो तक, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई, दो उल्टा और एक सीधा फंदा, तो इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। जो अभी हमने फर्स्ट से एट्थ रो बनाई है उल्टी साइड में उल्टे पे उल्टा सीधे पे सीधा, तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। जब हम ज़्यादा सी बनाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से दिखेगी। अगर हम डिज़ाइन जितने भी बड़ा बनाना चाहें, पूरे स्वेटर में भी डाल सकते हैं, एज ए रो भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। पूरे स्वेटर में डालेंगे तो भी स्वेटर बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। थ्रेड से बनाएंगे तो थ्रेड का टॉप बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी और आपको मेरा बताने का भी तरीका समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे चैनल पे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप विज़िट करते रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। आप लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें।